हेलो गाइस, लौट चुका हूँ मेरी नई वीडियो के साथ स्कॉर्पियो के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्कॉर्पियो के अच्छे और बुराइयों के बारे में। ये स्कॉर्पियो 2006 का मॉडल है, टॉप एंड है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ब्लैक पे सिल्वर काफ़ी अच्छा लगता है। स्कॉर्पियो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आता है। डीजल इंजन में 3 कैपेसिटी आती है गाड़ियों की, 3 इंजन कैपेसिटी के साथ आती है, जो है एक 2200 सीसी, एक 2600 सीसी और एक 2500 सीसी की कैपेसिटी। ये कैपेसिटी डीजल इंजन की थी। पेट्रोल इंजन का कैपेसिटी सिर्फ 2200 है। ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। ये 10.5 से 15 तक का माइलेज दे देती है। ये 8 सीटर SUV है। इसका जो लेंथ है वो है 4430 mm। इसका जो विड्थ है वो है 1817 mm और इसका व्हील बेस 2680 mm का है। ये है 2.6 लीटर 120 bhp टर्बोचार्ज 4 स्टीयरिंग इंजन। मैनुअल है। इसका बूट कैपेसिटी 460 लीटर का है। इसमें पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर आता है, पावर विंडोज़ आते हैं रियर में, फ्रंट में भी पावर विंडोज़ का ऑप्शन है, पावर स्टेयरिंग है, एयर कंडीशनर आता है। इसका इंजन टाइप इनलाइन इंजन है। ये 4 सिलेंडर का इंजन है। इसका मैक्सिमम पावर 120 bhp है 4000 rpm पे और 290 Nm टॉर्क है 1800 से 2800 rpm तक। 4 वैल इंजन है। फ्यूल सप्लाई CRDI है। इसका बोर इनटू स्ट्रोक साइज है 94x94 mm। कंप्रेशन रेशियो है 18.5:1। ये टर्बो चार्ज है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, गेयर बॉक्स 5 स्पीड आता है। ये 2 व्हील रियर ड्राइव कार है। इसका टॉप स्पीड 152 km/h का है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर्स का है। इसका 0 to 100 रिकॉर्ड टाइम 16.5 सेकेंड्स है। इसका जो आगे का सस्पेंशन है वो है इंडिपेंडेंट कॉल स्प्रिंग एंटी रोल बार सस्पेंशन, और रियर सस्पेंशन है मल्टी इंक कॉयल स्प्रिंग। पावर स्टेयरिंग आते हैं इसमें। इसका जो टर्निंग रेडियस है, जिसको आप व्हील बेस भी बोल सकते हो, वो है 5.6 मीटर्स। इसमें आगे में डिस्क ब्रेक आते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं। इसको इंडिया में असेंबल और मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी 2 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। इसका जो वेट है वो 2510 kg है। इसका टायर साइज आप देख सकते हैं, वो है 235x70 16 इंचेस, जो अलॉयज का ऑप्शन में भी आता है, पर इसमें स्टील व्हील्स लगे जिसके ऊपर व्हील कैप लगा हुआ है। इसमें 5 डोर आते हैं, ये लेफ्ट के 2, पीछे का 1 और राइट के 2। इसमें चलिए अब अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर देखते हैं अब क्या है।
अंदर का हिस्सा है। इसमें पैसेंजर साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा पर लाइट नहीं मिलेगा, और इसके रियर में भी रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं। आगे का पार्ट आप देख सकते हैं, आगे कप होल्डर्स नहीं है पर एक जगह ऐसा एक छोटा सा जगह दिया गया है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपका वॉलेट या आपका मोबाइल कुछ भी। ये चार्जर 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट है। ये नीचे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है। ये एसी वेंट्स बीच के एसी वेंट्स है। ये पैसेंजर साइड के एसी वेंट्स। ये ग्रैब रेल है काफ़ी अच्छी मटेरियल के। आप इसके सीट देख सकते हैं जो बाहर से लगाए गए हैं। इसका जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल है वो बीच में दिए गए हैं, जो अभी बाकी के कार्स में आते हैं ड्राइवर साइड पे, ड्राइवर साइड डोर बार पे। ये इसका पार्किंग ब्रेक है, इसका गियर लीवर। इसके जो सीट बेल्ट्स है वो हाइट एडजस्टेबल है। चलिए अब पीछे का रो देखते हैं। आपको रियर में भी पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिखेंगे दोनों साइड पर, बीच में हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। पीछे कोई कप होल्डर्स नहीं है। ये रियर एसी वेंट्स। ये सामान रखने के लिए पॉकेट दिया गया है, वहाँ पे भी एक पॉकेट दिया गया है। इसकी सीट देख सकते हैं, इसका जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो सीट का विड्थ है वो भी बड़ा है, चार जन आराम से बैठ सकते हैं इस पर। अब इसमें इसकी बुराइयों की बात कर सकते हैं। अब हम इसमें ट्रंक लाइट नहीं दिया गया है। इसमें रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, कप होल्डर्स नहीं है, रियर में हीटेड सीट्स नहीं है, फ्रंट में और रियर में मसाज सीट्स नहीं है, मेमोरी फंक्शंस फॉर सीट्स नहीं है, मल्टी फंक्शन स्टेयरिंग व्हील नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, पार्किंग सेंसर्स नहीं है, नेविगेशन सिस्टम नहीं है, स्मार्ट एंट्री नहीं है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, ड्राइविंग मोड्स नहीं है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी नहीं है, बॉटल होल्डर भी नहीं है, यूएसबी चार्जर नहीं है। पोर्ट दिया गया है, उसमें आप यूएसबी पोर्ट अलग से चार्जर डाल सकते हैं यूएसबी वाले। बैटरी सेवर लगे झुक कैन नेट भी नहीं है इसमें, रियर कर्टन्स नहीं है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं है, टेलगेट असार नहीं है। इसमें एयर कंडीशन आता है, हीटर आता है, एडजस्टेबल स्टेयरिंग कॉलम आता है, टैकोमीटर आता है, ग्लव कंपार्टमेंट भी आता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर नहीं मिलेगा, लेदर सीट्स नहीं मिलेंगे, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री नहीं मिलेगी, लेदर स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलेगा, लाइटिंग्स नहीं मिलेगी अंदर, डिजिटल क्लॉक नहीं मिलेगा, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले नहीं मिलेगा, सिगरेट लाइटर नहीं मिलेगा, डिजिटल ऑटोमीटर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलेंगे, हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है इसमें। इसका इसमें आप हेडलाइट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके हेडलाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके फ्रंट फॉग लैंप्स हैं। इसमें टिंटेड ग्लास है, आप देख सकते हैं टिंटेड ग्लास पर इसको निकलवा दिया गया है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से।
इसमें रियर स्पॉइलर भी है, जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसमें साइड स्टेपर भी है, क्योंकि एक एसयूवी गाड़ी है, छोटे लोगों को इसमें चढ़ने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए साइड स्टेप है। और पीछे की सीट में जाने के लिए भी इधर एक रियर स्टेप दिया गया है। इसमें रूफ रेल्स नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें रूफ रेल्स नहीं है, पर आप इसको लगवा सकते हैं रूफ रेल्स। चलो अब सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, इसमें सिर्फ सेंट्रल लॉकिंग है, पावर डोर लॉक्स है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स है, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर है, हैलोजन हेडलैम्प्स है, रियर सीट बेल्ट्स है, पैसेंजर साइड व्यू मिरर है, साइड इंपैक्ट बीम्स है, फ्रंट इंपैक्ट बीम्स है, एडजस्टेबल सीट्स, इंजन इमोबिलाइजर, इंजन चेक वार्निंग, ये सब थे इसके सेफ्टी फीचर्स। अब इसमें जो सेफ्टी फीचर्स नहीं है जो आज के ज़माने की गाड़ी में रहनी चाहिए वो हम अभी देखते हैं। वो है ABS नहीं है इसमें, जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, EBD नहीं है, पार्किंग सेंसर्स नहीं है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक नहीं है, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक नहीं है, ब्रेक असिस्ट नहीं है, एंटी थेफ्ट अलार्म नहीं है, एंटी पिंच पावर विंडोज नहीं है, ड्राइवर एयरबैग नहीं है, पैसेंजर एयरबैग नहीं है। हालांकि इसमें कोई भी सेफ्टी फीचर्स नहीं है जो अभी के गाड़ियों में मिलती है आपको। नी एयर बैग भी नहीं है इसमें, हेड अप डिस्प्ले नहीं है, ज़ेनॉन हेडलैम्प्स नहीं है जो आजकल बहुत काम आते हैं। आजकल सारी गाड़ी हमें ज़ेनॉन हेडलैम्प्स ही देती है। इसमें डायमंड ट्रिम हैलोजन हेडलैम्प्स आते हैं। इसमें कीलेस एंट्री नहीं है, हिल स्टार्ट असिस्ट नहीं है, क्रैश सेंसर नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग नहीं है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं है, 360 व्यू कैमरा, एंटी थेफ्ट डिवाइस, जैसे काफ़ी चीज़ें मिसिंग है इसमें। तो ये था एक वीडियो जो आपको इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे, इसकी अच्छाई और बुराइयों के बारे में। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, पर इसमें आजकल के ज़माने के सेफ्टी फीचर्स नहीं है जो काफ़ी ज़रूरी है। आजकल काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रही है। इसमें जो मेन एयरबैग भी नहीं है इसमें, पर इसका बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है, इम्पैक्ट से अंदर जो पैसेंजर्स और ड्राइवर्स उनको कुछ होगा नहीं, पर अगर कोई हाई डैमेज है तो हो सकता है, उसके लिए एयरबैग्स तो ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताइएगा, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो भी बताइएगा। थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करेगा अपने थॉट्स इस गाड़ी के बारे में। थैंक यू।